हाँ जी दोस्तों, शीशा थोड़ा सा गंदा हो गया था मेरा, थोड़ी देर के लिए रुका था मैं शीशा साफ करने के लिए। अब दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर मैंने डाल लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब भी हमने मेन रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है ना, पहले पीछे देखना है, इस शीशे में भी देखना है, राइट साइड पे सारे मिरर में देखना है, सेंटर वाले मिरर में देखना है, साइड वाले मिरर में देखना है, फिर धीरे धीरे करके गाड़ी लेके जानी है अगर पीछे कोई नहीं है तो, ठीक है। फिर गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा लें, दूसरा गियर डाल लिया मैंने, यहाँ पर तो सीधा तीसरा डलने वाला था, उतराइए ज़्यादा, चलो तीसरा गियर डाल लिया मैंने। अब गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलेगी हमारी, क्योंकि मोड़ घोड़ जो है ना थोड़े से कम हो जाएंगे यहाँ से। फिर भी गाड़ी सही ढंग से चलानी है, गाड़ी है खाली रेस रेस के ऊपर पैर है मेरा। ये वाइट कलर वाली पट्टी आपने क्रॉस नहीं करनी भाई साहब, जब भी क्रॉस करनी है आपने ओवरटेक करने के लिए करनी है, बाकी रोड आपने क्रॉस नहीं करनी, ठीक है। जब सामने आपको दिखाई दे भी खाली है रोड फिर आप कर सकते हो, अगर आपको लगे भी डाउट हो, जैसे मोड़ आप काट रहे हो, मोड़ काटते समय ये कभी भी अपने क्रॉस करके मोड़ नहीं काटना, ठीक है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी एकदम से आ सकती है। गाड़ी की स्पीड स्लो कर रहा हूँ ब्रेक लगा के हल्की सी, ये देखो मोड़ है ना, मोड़ के ऊपर गाड़ी आ गई आगे से, अगर आप मोड़ के ऊपर ये पट्टी क्रॉस करोगे तो खतरनाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मोड़ के ऊपर ये वाली पट्टी भूल के भी आपने क्रॉस नहीं करनी, अगर करनी है तो भगवान का अल्लाह का नाम लेके करनी है, वही बचा सकते हैं फिर आपको, और कोई नहीं बचा सकता। मोड़ के ऊपर खास करके जब भी आपने मोड़ काटना है ना, जैसे यहाँ पहाड़ों में तो हर 2 मिनट बाद मोड़ आता है, टेढ़ा मेढ़ा मोड़, ये देखो सामने भी मोड़ है ना, मैं ये पट्टी क्रॉस नहीं कर सकता, अगर क्रॉस करूँगा तो उधर से भी गाड़ी आएगी अचानक, ये देखो आ रही है ना गाड़ी, इसलिए ये पट्टी क्रॉस नहीं करनी होती। जब आपको रोड दिखाई दे रहा है फिर आप कर सकते हो, अगर रोड नहीं दिखाई दे रहा फिर नहीं आप कर सकते भाई, ठीक है। सामने अगर टेढ़े मेढ़े मोड़ है तो आपने ये वाली पट्टी भूल के भी क्रॉस नहीं करनी, बार बार मैं यही समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि क्योंकि आप सेफ रहो, ठीक है, सेफ ड्राइविंग करो। ये वाइट वाली पट्टी क्रॉस करना मोड़ के ऊपर पाप समझ के चलना है, भी पाप कर दिया आपने, ठीक है, पाप ही हो जाएगा। अगर किसी से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने वाला बंदा कोई आ रहा है उससे आपका एक्सीडेंट हो गया तो एक तरह का पाप ही हो गया यार, वो तो बंदा अपना सीधा आ रहा होगा तो आपने उसकी गाड़ी ठोक दी तो काम खराब होगा ना। तो ये वाइट वाली पट्टी क्रॉस नहीं करनी आपने जब तक कि आपको सामने से रोड ढंग से दिखाई ना दे। ये देखो मोड़ है, ये देखो कैसे गाड़ी मुड़ी है, देखा, अब आप कर सकते हो, सामने मोड़ देखो, सामने रोड देखो, रोड पूरा दिख रहा है मेरे को, मैं पूरी गाड़ी अपनी ले आया इसके इस पट्टी के पार। तीसरे गियर में गाड़ी है दोस्तों मेरी, ठीक है, खाली रेस के ऊपर पंजा है मेरा, कभी मैं थोड़ी सी तेज रेस दे रहा हूँ, कभी हल्की दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चढ़ाई होती है ना, जब चढ़ाई आती है तो थोड़ा सा रेस हमको तेज देनी पड़ती है, थोड़ी सी रेस देनी पड़ती है ताकि चढ़ाई अपनी आसानी से चढ़ जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पंजा रेस को दबाना होता है पंजे से। मोड़ है, मोड़ के ऊपर कभी ना करें क्रॉस पट्टी ये वाली, सामने भी मोड़ वाली को गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, तो अपने हाथ ही रह के अपनी साइड पे रह के ही मोड़ काटें, ये अपने हाथ ही रह के मैं ये मोड़ काटने वाला हूँ, धीरे धीरे करके काट लूँगा चाहे, लेकिन अपने हाथ ही रहूँगा क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, ये देखो बस लगी हुई है, बस के पीछे वो गाड़ियाँ लग जाएंगी, बस की वेट करेंगी या फिर धीरे धीरे करके हॉर्न मार के निकलेंगी। टेढ़े मेढ़े मोड़ों का नज़ारा लीजिए आप, 40 की स्पीड पे ये लोग कह रहे हैं आप गाड़ी चला सकते हो, बाकी मेरी 40 की स्पीड के ऊपर ही है गाड़ी।
स्कैन कर लें पीछे तक, अगर नहीं आ रहा कोई तो आप ओवरटेक कर सकते हैं बंदे को। मैंने पूरा रोड स्कैन किया आगे तक, पहले ही देख लिया मैंने पूरा रोड आगे। आपकी निगाह जो है ना बाज की तरह होनी चाहिए भी, आपने सिर्फ रोड देखना है ठीक है, इधर उधर के नज़ारे आपने नहीं देखने, सिर्फ आपने रोड देखना है, रोड कहाँ तक रोड जा रहा है, कहाँ तक गाड़ी, कौन सी गाड़ी आ रही है ठीक है। आपका ध्यान 100% ध्यान ना रोड के ऊपर होना चाहिए, रोड के ऊपर। मेरे को गाड़ी ओवरटेक करी, मैं उसको साइड दे रहा हूँ, ब्रेजा निकली अभी मेरे को ओवरटेक करके, उसने पीछे से मेरे को हॉर्न दिया तो मैंने शरीफ बंदे की तरह अपनी गाड़ी थोड़ी साइड पे लगाई और उसको जाने दिया ठीक है। हल्की सी ब्रेक और धीरे धीरे करके हैंडल मोड़े, रोड खाली है तो निकल जाए ऐसे करके, हॉर्न दे बंदे को कि आप निकल रहे हो तेजी से। खतरनाक मोड़ धीरे कर लो, जाके पता नहीं होगा कि नहीं होगा बादल। चलो धीरे धीरे चलेंगे यार, इतनी भी कहीं जल्दी है, अपनी साइड रहें, अपनी साइड रहें, वाइट वाली पट्टी क्रॉस मत करें ठीक है। वाइट वाली पट्टी तब क्रॉस कर सकते हैं जैसे सामने ये खाली रोड है, तो मैं ये देखो वाइट वाली पट्टी मैंने क्रॉस कर ली, ऐसे कर सकते हैं, मोड़ के ऊपर कभी ना करें ठीक है। दरंग पहुंच गया भाई, मैं दरंग का बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे, तीसरे गियर में गाड़ी है, गाड़ी मेरी चौथा गियर मांग रही है, अभी नहीं दूंगा, थोड़ा आगे जाके दूंगा इसको गियर। ये देखो भाई साहब क्रॉस कर रहे हैं, ये लाल अल्टो खड़ी, मेरी भी गाड़ी का रंग लाल ही है, 50 की स्पीड पे चला सकते हैं आप, तो मैं चौथा गियर डाल लेता हूँ और साइनिंग बोर्ड पे 50 की स्पीड बता रहा है मैं। रोड ये सीधा हो गया, यहाँ पे अकल आ गई इसको, रोड को सीधा हो गया। 31 किलोमीटर आ चुका हूँ भाई मैं अपने गांव वाले घर से, पालमपुर क्रॉस कर लिया, अब ब्रेक लगानी पड़ेगी, गाड़ियाँ लाइन पे लगी है ना। ये देखो डिस्टेंस बनाई, इतना डिस्टेंस, ये देखो इतना फासला बनाई, जितना मैंने फासला बनाया ना इतना फासला बना के गाड़ी चले, गाड़ी लेके जाए पहाड़ी रास्ते में ठीक है। तीसरे गियर में गाड़ी है खाली, मैंने रेस दबाई हुई है खाली, हल्की सी रेस दबाई हुई है। अब देखो जितना फासला बना के चलेंगे गाड़ी आपकी, उतनी आपको ब्रेक लगाने की कम जरूरत पड़ेगी, जितना फासला ज्यादा बनाएंगे ना आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ब्रेक लगेगी आपका फिर गियर चेंज होगा भाई, गियर छोटा डालना पड़ेगा आपको। अगर आप छोटे गियर से बचना चाहते हो तो एक ही स्पीड में गाड़ी लेके जाए, अभी मेरी 40 की स्पीड, अब ब्रेक तो लगानी पड़ेगी भाई, सबने लगाई है ब्रेक लगा ली, दूसरा गियर कर लिया मैंने क्योंकि उतराई है इसलिए मैंने दूसरा गियर कर लिया, अगर चढ़ाई होती फिर मेरे को पहला गियर डालना पड़ता। धीरे धीरे करके गाड़ी लेके जाएंगे भाई धीरे, ये मेरे को ओवरटेक कर रही है, पोलो कर सकती है, इसका इंजन भी 1300-1400 सीसी होता है मेरे ख्याल से, 1200-1300 सीसी है इसका इंजन, ये गाड़ी भी मस्त है भाई, मेरे को वो पसंद है ये वाली गाड़ी, सिंपल सी गाड़ी है लेकिन गाड़ी के अंदर पावर भी है और गाड़ी की सेफ्टी भी है। ये देखो रास्ता ख़राब है यहाँ पे, तो रास्ता रोका हुआ है इन्होंने, दूसरे गेट के अंदर गाड़ी धीरे धीरे करके लेके जा रहा हूँ, गाड़ियों के पीछे लगा लगा के और फासला बना के। अब टेढ़े मेढ़े मोड़ आएंगे लगता है, पहाड़ी इलाके में आ गया ना, मेंटेन मोड, दूसरे गियर में गाड़ी क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहा हूं मैं, एक ही स्पीड के ऊपर गाड़ी है, वो देखो मैंने बोला था ना बस तंग करेगी आगे जाके, मेरे को नहीं तंग किया, आगे भी मेरे से पहले भी बंदे जो हैं उनको भी तंग कर रही है, साइड नहीं होती ना, एक तो रोड छोटे होते हैं तो इसको बस को क्रॉस करना तो काफी मुश्किल होता है, टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं, टेढ़े मेढ़े रोड,
सीधा रास्ता हो तो फिर भी बंदा कर लेता करो ओवरटेक, क्योंकि सामने वाला ट्रैफिक दिखाई देता है। यहाँ पे सामने वाला ट्रैफिक पहाड़ों में दिखाई नहीं देता, इसलिए दिक्कत आती है। सामने वाला ट्रैफिक बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि मोड़ कोड़ इतने होते हैं, मोड़ होता है। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है आपको, सामने वाला ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो बाइक वाला ऐसे निकला एकदम से, कोई और भी गाड़ी आएगी। ये देखो स्कूटर एक और आ गया, ये देखो सामने से कार आई है, ये देखो वैन भी आई है। देखा, ये बंदा होता है पहाड़ी इलाकों में सामने वाला ट्रैफिक दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और अपनी ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये वाइट वाली जो पट्टी है ना, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर अंदर गाड़ी चलाएं आप, मस्ती से गाड़ी चलाएं, मजा लें यार रोड का। यार क्या तेज गाड़ी चला के क्या कर लेना, ओवरटेक मना है यहाँ पे। ये देखो बैन बैन हुआ पड़ा है यहाँ पे, ओवरटेक मना है। तीस की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, सामने 30 की स्पीड का बोर्ड आ गया और सामने साइनिंग बोर्ड भी है लेफ्ट साइड होने के मोड़ने के लिए, फौरन दे और आप क्रॉस करें। तीसरे गियर में गाड़ी है मेरी, ढलान के ऊपर गाड़ी जा रही है मेरी नीचे उतराई में, फिर मोड़ आ गए। ये देखो मोड़ का साइन आ गया ना, फाटक की निशानी है ये वाली, जो ये ड्राइविंग टेस्ट के अंदर पूछते हैं ये साइनिंग बोर्ड वाला सारा कुछ, ठीक है। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कौन सा निशान किस चीज का है। दूसरे गियर में गाड़ी कर ली मैंने क्योंकि गाड़ी मेरी थोड़ी स्लो हो गई, स्पीड ब्रेकर आ गए, इसलिए दूरी बना के रखे गाड़ियों से। 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, यहाँ पे बोर्ड लगा है, ओवरटेक करें धीरे धीरे। यहाँ पे भी ओवरटेक बैन है, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाला बोर्ड लगाओ ना ओवरटेक बैन वाला, अगर आपने ओवरटेक कर लिया, अगर कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ उसने आपका चालान काट देना है। यहाँ पे भी ओवरटेक बैन है, गाड़ी रुक गई। बस के पीछे और बस है, तो शुक्र है कि बस को तो पीछे कर लिए। अब नगरोटा बगवा वाली बस है ये, पठानकोट यहाँ पे लिखा हुआ है 95 किलोमीटर, कांगड़ा 20 किलोमीटर। मैंने तो कांगड़ा जाना है, कांगड़ा होके पंजाब जाऊँ, लुधियाना पंजाब। ये स्टॉप करके गाड़ी फिर आप कर सकते हैं।
बिना सिट वाले भैया अपनी साइड पे। अब थोड़े से ये सीधे रास्ते हो गए, तीन की तरह तो नहीं कह सकते, थोड़े से सीधे हो गए, थोड़ा शहरी इलाका आ गया ना ये। और एक और चीज बोलने जा रहा हूँ, पहाड़ी रास्ते के अंदर जब भी आपने ड्राइव करना ना, सिंगल हैंड से ड्राइव ना करें, स्टेयरिंग को दोनों हाथों से पकड़े मजबूत प्यार से, ठीक है, स्टेयरिंग को दोनों हाथों से ही पकड़े, सिंगल हाथ से ना पकड़े। सिंगल हाथ में आप अगर हमने लॉन्ग ड्राइव करनी है, सीधी सीधी ड्राइव करनी है, सिक्स लेन रोड के ऊपर ड्राइव करनी है, फिर तो आप सिंगल हैंड पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन रोड जहाँ पे टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ पे पता नहीं है भाई, सिंगल हाथ सिंगल हैंड। सामने से गाड़ी ओवरटेक करके आ रही है, इसका भी यूट्यूब का नहीं शोरूम लिखा था। मैंने पासिंग लाइट दी बंदे को और ओवरटेक कर लिया। नगरोटा भगवान आ चुका है जी, रोड मैंने देख लिया, यहाँ पे नगरोटा पहुँच चुके हैं। कितने किलोमीटर हो गया, 37 किलोमीटर हो गया, 37 किलोमीटर हो गया मेरे घर से नगरोटा, और 40 की स्पीड के ऊपर गाड़ी है, तीसरे गियर के अंदर मेरी गाड़ी है, हल्की सी ब्रेक क्योंकि आगे गाड़ी रुक रही है। ओवरटेक करके अपनी साइड में आप घुस जाएं फटाफट, क्योंकि सामने से भी गाड़ियां आती हैं ना इसलिए। गर्मी इधर भी है भाई, हिमाचल में भी गर्मी है, लोग देख रहे हो छतरे लेके जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। गियर चेंज करें, दूसरा गियर डाल दिया मैंने क्योंकि उतराई है इसलिए मैंने दूसरा गियर डाल दिया, अगर चढ़ाई होती तो पहला गियर डालना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं लेकिन अभी भी मेरे को यूट्यूब से पेमेंट नहीं मिली क्योंकि मेरी वेरिफिकेशन रहती है, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई मेरी, वेरिफिकेशन के लिए मैंने उनको ओके किया था लेकिन उन्होंने मेरे घर में लेटर नहीं भेजी, अभी तक लेटर नहीं आई मेरे को। डिस्टेंस मेंटेन करें, गाड़ी का बम्पर दिखना चाहिए आपको, ठीक है, गाड़ी के टायर गाड़ी के बम्पर दिखने चाहिए पहाड़ी इलाके में, इससे ज़्यादा नज़दीक ना लेके जाएं, ब्रेक लगा लें कोई बात नहीं। ये बाज़ार आ गया ना इनका भगवान नगरोटा का, तीसरे गियर में गाड़ी कर ली मैंने।
रोड के ऊपर आपकी निगाह चिपकी होनी चाहिए, चिपकी मतलब कि आपने रोड देखना है, रोड के ऊपर आपने छोटी छोटी गतिविधि देखनी है लोगों की, कोई लोग कोई रोड क्रॉस तो नहीं करने वाला, कोई सामने से कैसे आ रहा है, ठीक है, या फिर इधर से रोड बंदा कोई क्रॉस कर रहा है, ठीक है, आपने अच्छी तरह से रोड देखना है, रोड के ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए, आपने इधर उधर नहीं देखना, दुकानें नहीं देखनी, आपने लेफ्ट साइड राइट साइड आपने नहीं देखना, आपने सीधा देखना है, सीधा रोड आपने देखना है, आपकी रोड के ऊपर 100% निगाह होनी चाहिए। रोड के ऊपर निगाह होगी ना तभी आप गाड़ी बड़े प्यार से और सेफ तरीके से चला सकते हो। आपको पता होना चाहिए भी आगे मोड़ लेफ्ट टर्न होने जा रहा है या राइट टर्न होने जा रहा है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। ये जो लाइनें बनी होती है ना रोड के ऊपर व्हाइट कलर की लाइनें बनी होती है, इससे पता लग जाता है भी रोड किस तरफ मुड़ने जा रहा है, लेफ्ट टर्न मुड़ने जा रहा है या राइट टर्न मुड़ने जा रहा है, ठीक है। दूसरे गियर में गाड़ी कर ली मैंने, आगे थोड़ा रास्ता खराब भी है, आराम से लेके गया, प्यास लगी यार, पानी पी लूं। इंडिकेटर दिया, जब भी आपने गाड़ी रोकनी है कहीं इंडिकेटर दे अपना साइड पे, साइड इंडिकेटर दे के गियर निकालने और